बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. आई मीन इट्स ब्यूटीफुल ज्वेलरी के बीच में वॉक करके इतने सारे डिफरेंट डिज़ाइंस. आई थिंक सम ऑफ द बेस्ट मोस्ट यूनिक डिज़ाइंस यहाँ पर ज्वेलरी एग्जीबिशन में है, ग्लैमो में है. एंड व्हाइल आई वाज वॉकिंग मुझे ये लग रहा था मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे आई विश बट आई वुड टेल एवरीबडी कि प्लीज़ कम एंड टेक अ लुक एट द एग्जीबिशन बिकॉज बहुत ही फाइनेस्ट पीसेज ऑफ ज्वेलरी और हर टाइप की ज्वेलरी है रेंजिंग फ्रॉम योर ट्रेडिशनल ज्वेलरी टू डायमंड्स to polki so I enjoyed. Rakul, how does it feel like, you know, when koi exhibition hota hai, inauguration aapke haath mein hota hai, it's like shubh kaam hota hai ji. How privileged you feel? I feel very grateful, I feel very thankful. Blessed ki you know God ne wo opportunity di hai, ek wo platform diya hai. You know, hua bhi, I really feel logon ka dil bahut bada hota hai ki hame bula kar bolte hain ki aapke lucky hand se opening kiye kare, but I don't think we are anything, and it's all God's grace. I just feel very happy. Thank you. Thank you. And glamorous dikhna Rakul ji ke liye kitna important hota hai? अभी ग्लैमर इंडस्ट्री में है तो ग्लैमरस दिखना तो इम्पॉर्टेंट होता है, बट आई फील यू नो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्लैमरस. अगर आप जो पहन रहे हैं और उसमें आप कंफर्टेबल हैं एंड यू ओन इट, तो आप स्टाइलिश भी लगेंगे, ग्लैमरस भी लगेंगे और फैशनेबल भी लगेंगे. इसके अलावा वो ऐसा कौन सा मौका होता है रखती जब आप सोचते हैं कि नहीं आज मेकअप नहीं करना, रोज मुझे अनलेस आई एम शूटिंग, जब आप मुझे ऑफ ड्यूटी पैप्स में देखेंगे या कभी पकड़ लेते हैं, सो आई बेली वुड हैव मेकअप एंड आई थिंक दैट्स द वे आई एम. मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है अगर मैं काम नहीं करूँ. बिकॉज आई हैड टू ट्राई सो मेनी अदर स्टोर्स, तो मैं हर स्टोर पर ज्वेलरी पहनी है और गिफ्ट्स भी मिले हैं. तो मैंने एक्चुअली मैं इसलिए ऐसे चले गई बिकॉज ताकि लोग देखे और बोले चलो इसको थोड़ी सी ज्वेलरी गिफ्ट कर देते हैं. There are lots of different kinds of jewelry these days. Like, you know, what kind of jewelry do you prefer, and any particular jewelry piece what you must have bought with your own money? Actually, yes, that yes. Something very. I love rings और बहुत minimalistic style है मेरा ज्वेलरी का. I generally don't like to load myself up. तो अगर मैंने ear rings पहने होंगे तो neck नहीं पहना होगा, या rings are something I really like. और chokers मुझे बहुत पसंद है. And इसके अलावा रघुल back to back endorsement कर रही है, फिल्में कर रही है और काफ़ी actresses की ये दौड़ है, कुछ responsibilities ज़्यादा भी बढ़ जाती. आई फील मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे काम करने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए तो काम करना शुरू किया था. हु लाइक्स टू सिट फ्री एंड देन कॉल देमसेल्व्स एन एक्टर. आई फील आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ज़्यादा काम हो तो अच्छा है, डेट ना हो तो अच्छा है, बट आई डोंट वॉन्ट टू सिट एट होम एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि ऐसा मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है कि मुझे काम ज़्यादा काम अच्छा है. एंड nobody is forcing me to do the work that I do. I think I live for my work and mera Twitter ka header kehta hai build a life you don't need a vacation from, and that's what I'm living. Rakul, you are a brand ambassador for Beti Bachao Beti Padhao. Ji. Jewelry har ek aur ka ek shop hota hai. Seeing the woman empowerment also, like what is your message to all the people who are there, like as a brand ambassador? See, the jewelry और बेटी बचाओ में वो it's a different, but I am just trying to woman empowerment. हर एक चाहता होगा कि मैं भी एक piece of jewelry हूँ, तो whatever like you. See, my message to everyone on largely would be that I know things are very different and difficult in our country, क्योंकि मैंने बहुत closely cases देखे हैं. I've interacted with people who have gone through a lot, but each one of us, whether a man or a woman or a child, जिसको भी awareness है, we should try and spread the thought of इक्वालिटी एंड लोगों को अवेयर कराना चाहिए कि आज के टाइम में लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है. आई मीन इफ यू लुक एट द डिज़ाइनर्स, सो मेनी वुमेन हु आर डूइंग सो वेल इन एवरी फील्ड, इन यू नो इट्स नॉट ओनली जस्ट होम मेकर्स. तो सबको इक्वालिटी प्रोपोगेट करनी चाहिए. राकुल, रेनी सीजन चल रहा है, रेनी सीजन में राकुल खुद को कैसे कैरी करना पसंद करती है? राकुल रेन्स में से भाग जाना पसंद करती है.
I have Hindi mein Marjama is releasing in October, and I have signed another film which I'll announce soon, which will start in December. Or Telugu mein I have a release coming out with Nag sir, and I'm doing Shankar sir's film Indian, in Tamil. Indian film ke baare mein kuch, how much are you excited? Definitely very yeah. Very excited, because Shankar sir is huge, and I think it's a lovely opportunity for me. I'm very thankful ki mujhe unke sath kaam karne ka mauka mil raha hai itne at such a young age. Bollywood industry ek family ki tarah hai, aur aaj is tarah ke halaat hain ki PM tak ko letter likhna padta hai, to us pe aapka kya take hai? Kuch ek group ne 49 group tha jo mob bleaching ko lekar unhone PM ko letter likha, us pe aapke kya thought hai? Aur uske opposite bhi Anubhadur Bhandari kar Kangana Ranaut, unhone मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी. इट्स अ वेरी पर्सनल टेक टू ईच द रोम, और मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी. About jewelry, about Rakul is the new age hard working actress who's come up on her own. She doesn't have background. She's excited to work. She's very very happy about the fact that she doesn't get time, and she is looking forward to more work, and she is doing extremely well. So she's God's child, she's blessed. Aaj jo success upar wala deta hai uski value karna aur mehnat karna aur encouragement lena aur ye kehna mujhe aur kaam do, itne positive thought wali actress to new age ki mujhe koi dikhi nahi ya maine suna nahi hai. Thank you, and she's so, and inko bahut success milni chahiye, because she is setting up an example for people who give up or who feel ki nahi hame background chahiye, hame koi godfather chahiye, ya hame koi kai ke launch chahiye. Inhone mehnat kari hai, aur wo bhi Sikh ladki hote hue Tamil jaake unki language seekh ke wahan pe rule karna industry mein, fir pehli movie Ajay Devgan ke sath hit dena, fir dusri hit, uske baad I think she is very very, she deserves everything, whatever she's thank earned you. Everything. Thank you. You're breaking thank the norms you. Of nepotism, you can say like that. No, I would not say, I am not here to break or make anything. I want to make a good career of myself. I want to do credible films. I want to do good films. And I have always believed ki blame game khelo ya to ki nepotism hai ya phir kaam kar lo. I know it's at the end of the day, only if you're good do you sustain in the industry. Yes. And I think that's been seen over the last few years, and I mean ever since. Very well, so you really have to have the hard work. Aur agar aap mein talent bhi thoda sa bhi kam hai to aap hard work karke usko seekh sakte hain, but agar aap mein positive thought hi nahi hai and apne upar self confidence hi nahi hai, amazing. So then I don't think then you can just play the blame game ki nepotism hai. I mean if my dad was a producer to wo karte, but agar mujhe army mein jana hota to wo mujhe help करते, but well नहीं है, so I don't think it really matters. But कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता बॉलीवुड में नेपोटिज्म को जगह दी गई है? अगर आपके डैड सबसे बड़े प्रोड्यूसर होते हिंदी के, और वो बोलते जाओ बेटा बाहर जाके काम ढूंढो, तो वो करेक्ट होता? या अगर मुझे आर्मी में जाना होता तो मेरे डैड मुझे बताते कि हाँ बेटा एनडीए में ऐसा होता है और वहाँ पे ही होता है. सो आई थिंक इट्स नॉट योर डिसीजन इन द फैमिली दैट यू आर बॉर्न, एंड ऑफ कोर्स इट्स बट नेचुरल दैट योर पेरेंट्स और योर रिलेटिव्स विल हेल्प यू, बट लाइक आई सेड व्हाट्स गोना मैटर इज हाउ टैलेंटेड यू आर. हार्ड वर्क माइट बी लिटिल मोर, बट यू डोंट वैल्यू योर वर्क अगर हार्ड वर्क ना हो. आई डोंट थिंक यू रिस्पेक्ट योर वर्क देन. थैंक यू सो मच. दिस इज अ मनीष मल्होत्रा आउटफिट, एंड इट्स अ मॉडर्न साड़ी. सो आई थॉट कि यहाँ पर वेस्टर्न और इंडियन दोनों टाइप की ज्वेलरी हैं, सो आई शुड वेयर समथिंग दैट आई कैन या मीन लाइक अ हाइब्रिड, सो आई कैन वेयर बोथ विद दिस. वेल मेरे को रकुल जी को बहुत थैंक यू करना था ग्लैमर में आने के लिए. वेल एक्चुअली आई फील दैट हैविंग रकुल एट द शो हैज़ मेड द शो इवन मोर ग्लैमरस, बिकॉज शी हरसेल्फ इज़ अ स्टाइल आइकन. लाइक आई सॉ हर ड्यूरिंग द शूट एज वेल, एंड नाउ आई मीन द शूट फॉर ग्लैमर वी डिड लाइक 2 months अगो, एंड शी वॉज सो स्वीट एंड वेरी स्मूदली पुल्ड ऑफ एवरी लुक एंड द वे वी वॉन्टेड इट. एंड
you know, I mean, coming here, being, you know, kind to all our jewelers, because, you know, they've been here, they've been waiting for her since yesterday. She's really been very sweet with all of them, tried everything. Thank you, Rakul. Thank you so much. And we've really, we're having a great show here. And like she said, you must visit. Yes, you must visit Glamour. We are here today and tomorrow. We're having a lot of master classes going on, and there are young girls learning a lot, not only about jewelry, seeing jewelry for their wedding, but also how to dress for their wedding, getting all the tips and all the hacks, you know, of jewelry, makeup, as well as hair styling. So guys, don't miss this opportunity, and Glamour is waiting for you all until tomorrow, 28th of July at Sahara Star. So please be there. Wishing all the viewers a very, very happy Independence Day. My small message would be, let's get freedom of thought and let's be independent in true sense. Thank you. और रक्षाबंधन, रक्षाबंधन की मेरी प्रेपरेशन तो नहीं, मेरे भाई की होनी चाहिए, गिफ्ट तो उसने मुझे देना है. सो आई होप वो ये देख रहा है और वो मेरे लिए गिफ्ट, एक्चुअली वो ग्लैमर आ सकता है मेरे लिए गिफ्ट लेने के लिए. बट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू टू बोथ ऑफ यू फॉर सच काइंड वर्ड्स. इट्स बीन अ ग्रेट एसोसिएशन, एंड नाउ आई नो, मैं भी इनको बोल रही थी कि व्हेनेवर आई वांट टू बाय ज्वेलरी आई नो हु टू कॉल.